आज हम आप लोगों को ग्रूवर्स के बारे में बता रहे हैं कि ग्रूवर्स क्या होता है। शीट मेटल शॉप में ग्रूवर्स का विशेष महत्व है। इस औजार के द्वारा सीम को क्लोजिंग तथा लॉकिंग की जाती है। इस ग्रूवर के अंतिम सिरे द्वारा ग्रूव सीम को लॉक किया जाता है। ये देखिए जो ग्रूवर होता है, ग्रूवर एक ऐसा कुर्सी के तरीके होता है जिसकी सहायता से दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ग्रूवर कहते हैं। इसके अंतर्गत अंतिम सिरे द्वारा ग्रूव की सीम को लॉक किया जाता है। जो ये अंतिम सिरा होता है, अंतिम सिरे के द्वारा जो हमारी सीम होती है दो पार्टों को आपस में जोड़ने की क्रिया, उसको ग्रूव के द्वारा लॉक करते हैं। फिर आगे देखिए आगे का चित्र, ग्रूवर्स के क्लोजिंग तथा लॉकिंग देखा आपको पढ़ाएंगे अभी। ग्रूवर्स के द्वारा लॉकिंग तथा क्लोजिंग ग्रूवर्स के द्वारा कैसे खोलते हैं और कैसे बंद करते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं ग्रूवर्स के द्वारा लॉकिंग तथा क्लोजिंग। इसके अंतर्गत देखिए सर्वप्रथम ग्रूवर्स के ज्वाइंट को पकड़ा जाता है। जो हमारा ग्रूवर होता है उसका जो ज्वाइंट होता है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको इसमें इस तरीके से मिला के ढांचा बनाना है। तो इसका जो ऊपर से ज्वाइंट होगा, सबसे पहले ज्वाइंट को पकड़ा जाता है सेल माइलेट हैमर की सहायता से क्लोज किया जाता है। जो हमारा माइलेट हैमर होता है, लकड़ी का हैमर, उससे हम इसमें धीरे धीरे चोट मारते हैं। चोट मारने के बाद क्या होता है, वो सही से पकड़ लेता है। तो ग्रूवर को खींचते हैं अपनी तरफ और ज्वाइंट को से ग्रूवर से ज्वाइंट लॉक कर दिया जाता है और अपनी तरफ उसको खींचते हैं, देखते हैं कि सही से लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। लॉक होने के बाद ग्रूवर से उसको ज्वाइंट कर देते हैं ताकि वो फैले ना या छूटे ना, जिससे कि हमारा जो जोड़ हो वो खराब ना हो और अंग तक सही जोड़ बना रहे। इससे ग्रूवर से प्रयोग करते हैं। फिर देखिए हमारा जैसे आपका इस तरीके हुआ, इस तरीके हमारा ग्रूव हुआ, इसमें खांचे के तरीके बना होता है। खांचे के तरीके बने होने के कारण जो हमारी फील्ड होती है, जैसे अभी हमारी दोनों सीट है, इसको दोनों को एक में ऐसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए इसमें जो खांचा बना होगा, तो दोनों हम चारों को आपस में रखेंगे और जो यहाँ से जोड़ होगा दोनों को अच्छे से कार्य कर देंगे, तो क्या होगा कि दोनों मुड़ करके एक दूसरे में चिपक जाएगी और जोड़ अच्छे से लग जाएगा। गूगल के द्वारा यही जोड़ लॉकिंग किया जाता था। और खोलने के लिए क्या होता है, जब इधर से उल्टा करके इसको लॉकिंग मशीन को लगाएंगे तो क्या होगा कि जोड़ के दोनों पल्ला आपस में खुल जाएंगे। तो यही है इसका लॉकिंग करना और क्लोजिंग करना। लॉकिंग करते हैं और खोलते हैं, क्लोजिंग करने के लिए खोलना बंद करना। तो दोनों को ग्रूवर मशीन के द्वारा दोनों पार्टों को आपस में यहाँ से खाने पे लगा करके बंद करना और इसको खोलना। इसके बाद देखिए दूसरा आपको बता दें कि हमारी फार्मिंग मशीन होती है। फार्मिंग मशीन के द्वारा क्या होता है, जो हम सिलेंड्रिकल जाप बनाते हैं उनको तैयार करने के लिए इस फार्मिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें तीन सिलेंडर होते हैं, इन सिलेंडरों के बीच में चादर को लगा देते हैं। चादर को लगाने के बाद जिस तरीके से हमें जाप बनाना होता है, इस तरीके से हम ऐसे घोल कर लेते हैं। जैसे देखे होंगे आप बखारी, तो वो जो चादर बनाते हैं, बक्सा बखारी वाले यहाँ देखे होंगे जो चादर को मोड़ करके बखारी बनाते हैं, तो सिलेंड्रिकल जार में, सिलेंड्रिकल मशीन में इसके अंदर लगा करके उसको इसके घुमाते हैं। तो घुमाने के लिए आप हैंडल लगा होता है, घुमाने से क्या होता है कि चादर अपने आप ऐसे गोलाई में मुड़ जाता है, कहीं कम और ज्यादा नहीं होता है। वहां पर के फार्मिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अभी बताया कि विभिन्न प्रकार के
जो गोलाकृति में जाप बनाने के लिए या बेलनाकार जाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें माइक स्टेट या सीट के 22 गेज तथा मोटाई की जो 22 गेज मोटाई का चद्दर आता है उसको भी इसमें मोड़ करके जाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अनंत काल के जो रोलर सीटें होती हैं उनको भी गोलाई में मोड़ करके प्रयोग किया जाता है। इसमें हैमर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ये एक सही से पूरी आकृति में जाप मोड़ करके इस तरीके का सिलेंड्रिकल जाप ऐसे गोलाई में मोड़ करके जाप तैयार हो जाता है। फिर देखिए आपका बैंडिंग मैनुअल चित्र बनाते जाइए। साथ में चित्र बनाने से क्या होगा आपके बीच पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा, जिससे कि चित्र बना रहेगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। बैंडिंग मैनुअल के अंतर्गत देखिए बैंडिंग मैनुअल के अंतर्गत सीट मेटल को विभिन्न तौर तरीकों से मोड़ा जाता है, जैसे फोल्डिंग तार, वाइस, स्टेक आदि। इनमें निम्नलिखित औजार और विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। इसके आगे देखिए फोल्डिंग बार में देखिए ये चित्र बना हुआ है आपका। फोल्डिंग बार में होता है, फोल्डिंग बार एक प्रकार का क्लैंप होता है जो कि धातु को सीट को मोड़ने के काम आता है। ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये हमारा जो ये गोल आकृति का बना है देखे होंगे, जैसे साकेट होता है, साकेट जब हमारा कट जाता है इसमें लगा करके कोई गर्म करके लगाकर ये जो पंछी होती है इसके द्वारा इसको पकड़ा जाता है। ये हैंडल होते हैं, इसके द्वारा इसको पकड़ा जाता है और यहाँ पे कोई भी चत्तर डाल करके गोल आकृति में तैयार करने के लिए गोल आकृति में चत्तर को तैयार करने के लिए क्लाइंपिंग इसको बोलते हैं, फोल्डिंग क्लाइंपिंग बात भी बोलते हैं और इसको क्लाइंप भी बोलते हैं। इसमें आकृति देने के लिए गोल आकृति में जैसे आपका साकेट बनाने के लिए इस प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है। गोल आकृति में चाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ये आपका ये वाला जाप यहाँ से बना हुआ, इसके बाद इसमें क्लैंप लगा हुआ है, तो क्लैंपिंग की कार्य विधि जो अभी आपको हम क्लैंप बनाए थे उस क्लैंप की कार्य विधि, उस क्लैंप में से किस प्रकार का कार्य करते हैं। फोल्डिंग बार में सीट को डालकर वाइस में टाइट करते हैं, जो हमारा वाइस होता है बेंच वाइस में इसको डाल करके टाइट करते हैं। जो ये हत्था है, हैंडल है, इसको बेंच वाइस में लगा करके वाइस को हैंडल के द्वारा टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद ये जो हमारा पार्ट बना हुआ है, ये जो हमारा पार्ट बना हुआ है इसको क्लैंप में आगे में बांध करके बांधने के बाद वाइस में टाइट करते हैं हैंडल की सहायता से। टाइट करने के बाद ये हमारा सीधी आकृति में बना होता है जा, और इसको इस तरीके से मोड़ने के लिए 90 अंश में मोड़ने के लिए ऊपर से इसमें चोट मारते हैं, इसमें चोट मारते हैं। तो ये जब ये हैंडल जो होते हैं हैंडल को वाइस में टाइट कर देते हैं, टाइट करने के बाद हैमर से चोट मारते हैं तो ये 90 अंश के कोण में मुड़ जाता है। तत्पश्चात वाइस को टाइट करने के मैनेट से पीट कर सीट को मोड़ा जा सकता है। इस सीट को किसी भी कोण पर मोड़ सकते हैं। इस सीट को 90 अंश में 45 अंश में कार्य के अनुसार देखिए कार्य के अनुसार किस तरीके का हमें जाप चाहिए उस तरीके से हम अपने हिसाब से इसको मोड़ लेते हैं जिस हिसाब से हमें जरूरत होती है। फिर देखिए इसके आगे हम पढ़ा रहे हैं आपको हैचेट स्टेक बिथ। देखिए हैचेट बिथ हैचेट स्टेक का सहारा लेकर सीट को हाथ से दबाकर या मैरिज की चोट से मोड़ा जाता है। इसमें 90 अंश से 45 अंश के कोण पर बैंड कर सकते हैं। इससे सीट पर ना तो स्क्रैच पड़ेगा ना तो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ेगी। ये एक अच्छी और आसान विधि है। किसी भी सीट को मोड़ने के लिए हैचेट में रख करके एक थर्मल तरीके हैचेट बना होता है उसमें रख करके हाथ से मोड़ते हैं, या तो फिर हाथ में लगने का डर रहता है तो आप हैमर की जो मैलेट हैमर होता है मैलेट हैमर से धीरे धीरे चोट मारते हैं तो चत्तर हमारा पतला होता है, अब वो सही तरीके से मुड़ जाता है और उसमें चोट भी नहीं लगता है। तो ये आपकी हो गई हैचेट बिट के द्वारा चत्तर को मोड़ने की विधि, हाथ से न मोड़ करके हैमर से मोड़ना।
चलिए फिर हम आप लोगों को कल इसके आगे पढ़ाएंगे। फिर आगे इसकी हेडिंग है क्लैंपिंग विद।